भारत का पहला मदरसा का स्थापना कहाँ में किया गया था? कलकत्ता 1781। भारत का पहला मदरसा 1781 कलकत्ता वाइन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। 1781 है। चलिए बता देंगे, भारत का पहला संस्कृत स्कूल, ठीक है, भारत का पहला संस्कृत स्कूल जोनाथन डंकन 1791 बनारस में खोला गया था। बताओगे बनारस सेंट्रल स्कूल का स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट की थी। बनारस सेंट्रल स्कूल का स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और वहीं पर जो है ना बनारस में 1916 में BHU का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बताओ वाराणसी के नाम किन दो नदियों के नाम पर पड़ा है? ठीक है, वारणा और अस्सी नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा है। ये बताओगे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहां से कहां तक चली है? ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज का नाम है द गंगा, एमबी गंगा विलास नाम है। ये चली है आपको बनारस से डिब्रूगढ़ तक चली है। आपको बता देना भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम बताओ, लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। ठीक है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। बताओगे मुंगेर में सेना का केंद्र कौन स्थापित किया था? मुंगेर में सेना का केंद्र किसने स्थापित किया था बताओ आप लोग? लेको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। मीर कासिम का किला है मुंगेर में, मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। मेरा क्वेश्चन था सेना का केंद्र मुंगेर में किसने स्थापित किया? रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया है। बताओ योगा सिटी ऑफ बिहार, मुंगेर को योगा सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार का योग नगरी बोलते हैं, क्योंकि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया। बताओ बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में खोला गया। भारत का पहला वानिकी महाविद्यालय होगा तो देहरादून होगा, और बिहार भारत का दूसरा, और बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय मुंगेर, और देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला गया। बताओगे भी प्रथम आंगल प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1942 तक चला था। अफीम युद्ध जो है ना अंग्रेज और चीन के बीच हुआ था, और नानकिंग के संधि द्वारा क्या होता है, समाप्त हो गया। बताओगे आप लोग 1839 से 1842 टेनिस कोर्ट का संबंध किस क्रांति से है? टेनिस कोर्ट ओर्थ का संबंध किस क्रांति से है बताओ आप लोग? फ्रांसीसी क्रांति से है। बताओ फ्रांस आजाद कब होता है? 1789।
फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को होता है। उसी साल अमेरिका का संविधान भी लागू होता है। जिस वर्ष अमेरिका का संविधान लागू हुआ उसी साल क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति भी होता है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई को बास्टिल डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बास्टिल डे मनाते हैं। आप बताओगे अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। बताओ बी ग्रुप, अमेरिका आजाद कब होता है? ठीक है, अमेरिका है ना, 13 राज था अमेरिका में, 13 राज था। तो सभी राज्यों का बैठक होता है और सभी राज्य का हम लोग आज से इंडिपेंडेंट हैं। अपने आप को क्या किया, 4 जुलाई 1776 को आजाद घोषित कर लिया। आपको बताना है इंग्लैंड ने अमेरिका को आजाद कब घोषित किया। वो लोग तो अपने आप को कहा आजाद हैं, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड ने अमेरिका को आजादी की घोषणा कब करता है? सत्रह तिरासी, ठीक है। ब्रिटेन ने अमेरिका की आजादी की घोषणा 1783 में किया, 1783 में किया। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? फ्रांसीसी क्रांति का देन है। बताओगे फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजा का नाम बताइए। लुई सोलामा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा का नाम लुई सोलामा था। पुनर्जागरण का शुरुआत किस देश से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। पुनर्जागरण मतलब पुनः जगाना, आप तो सोए हुए हो ना, लोगों को जगाना, पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दांते। दांते को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आप बताओगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ? इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति और धर्म सुधार आंदोलन दोनों की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। आप बताइएगा चीनी क्रांति कब हुई है? 1911 में मंचू राजवंश का अंत हो जाता। चीनी क्रांति 1911 में होता जिसके परिणाम स्वरूप मंचू राजवंश का अंत हो जाता है। आप बताओ चीन आजाद कब होता है? ठीक है, भारत के बाद आजाद होता। सोच लो हम लोग 47 में आजाद होते हैं और चाइना 49 में आजाद होता। 2 साल बाद आजाद हुआ, फिर भी आज सुपर पावर बन गया। क्यों? अपने कर्मों के बदौलत। आप बताओगे प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितना देश भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश भाग लिया था। बताओ आप लोग प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब होता है? 14 जुलाई। ठीक, 28 जुलाई 1914 की शुरुआत होता है। बताओगे खत्म कब हुआ था? छोटका डेट बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब होती है?
बताओ आप लोग। शायद 11 नवंबर है, 11 नवंबर 1918 है, लुसेंट दिया होगा देख लो, शायद 11 नवंबर 1918 है, देखो जल्दी देख लो। क्या दिया तब तक अगला क्वेश्चन क्या दिया? 11 नवंबर और शुरुआत कितना 18 28 जुलाई। ठीक है बता अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन लिखा? इतना मार मारा लाठी से बेचारा अनहैप्पी हो गए। क्या हो गए? अनहैप्पी हो गए। आप बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? छह गो देश था। देखो जर्मनी नेतृत्व कर रहा था उसका, जर्मनी जो है ना उसका नेतृत्व कर रहा था धुरी राष्ट्र का। जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया था, बुल्गारिया था, हंगरी था और तुर्की था। छह गो देश था प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है ना जर्मनी कर रहा था। जर्मनी एक हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की। बताओगे भी वो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था? एक मित्र राष्ट्र में पांच देश शामिल था। देखो अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस, रूस और जापान, सब मजबूत देश सब था। फिर सेकेंड सब पलटी मार दिया। बताइएगा बोस्टन टी पार्टी का मुख्य नायक कौन था? सैमुअल एडम्स था। देखो बोस्टन टी पार्टी है ना 1773 में होता, 1773 में बोस्टन टी पार्टी होता, सैमुअल एडम्स इसका मुख्य नायक था। आप बताओगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नायक का नाम बताओ? उनके नाम पे एक शहर भी है वहां। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नायक जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पर ना वहां के जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी किनारे है। बताओगे प्रथम आंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839-42। ठीक है बताओ द्वितीय आंगल अफगान युद्ध? द्वितीय आंगल अफगान युद्ध आंगल अफगान दो ही हुआ है, समझ गए? ये बताओ 78-80 लॉर्ड लिटन काल में हुआ, 78 से 39 याद रखो, 78 से 80 है, 78 से 80।
बताओगे नेशंस वॉइस पुस्तक कौन लिखा? नेशंस वॉइस पुस्तक कौन लिखा है बताओ आप लोग? एस राधा कृष्णन लिखा है, एस राधा कृष्णन साहब लिखे हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हो? भारत का उभय वीर सुंदर सेनानी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव की शुरुआत वीर तिलक साहब ने कब किया? 1893 में शिवाजी श्री गणेश उत्सव और 95 में शिवाजी उत्सव का शुरुआत होता है। बताओगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या सेरेजोवा की राजधानी बोस्निया में हुआ था, वही तत्कालिक कारण वही था। आप बताओगे द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कहाँ हुआ था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। बताओगे वर्साय की संधि किस देश पर थोप दिया गया था? कितना जुर्माना लगा दिया न, इसका कई बंदरगाह का छीन लिया था, सब बांट लिया छीन कर, सर बेचारा क्या करता बौखला रहा था। सीमांत गांधी बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। बताओगे भी हू लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक कौन लिखा? जेएन नेहरू साहब लिखे। आराम हराम है भी इन्होंने कहा था, पूर्ण स्वराज का मांग भी किया था 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया था, क्या नहीं किया था? बताओ क्षत्रिय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में हुआ, 2 अक्टूबर 1975 में हुआ है। बताओ रोलेट एक्ट किस वायसराय काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने किया था, बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर ने किया था। बताओगे इंडियन मिरर का प्रकाशन केशव चंद सेन करता था, ये कर रहा था इंडियन मिरर का प्रकाशन केशव चंद सेन कलकत्ता से कब शुरुआत किया था? 1800। इंडियन मिरर का शुरुआत केशव चंद सेन कलकत्ता से कब किया था बताओ आप लोग? 1861। बर्ना कुरेर पेश एक्ट कब लॉन्च हुआ? 1878। ठीक है, बर्ना कुरेर पेश 1878 है, 1882 में क्या हुआ? लॉर्ड रिपन समाप्त कर दिया। बताओ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप कौन लगाया था? बेलेजली लगा दिया था।